नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। टीम इंडिया की बड़ी जीत जरूरी, T20 वर्ल्ड कप में आज स्कॉटलैंड से मुकाबला, इसे जीतने के अलावा हमें न्यूजीलैंड की हार भी चाहिए। NCB दफ्तर पहुंचे आर्यन खान, जमानत की शर्त पूरी करने जांच एजेंसी के सामने पेश हुए, सिर्फ बॉडीगार्ड को साथ लाए। कैश ट्रांजैक्शन पहली पसंद, नोटबंदी के 5 साल बाद भी कम नहीं हुआ कैश का इस्तेमाल, लोगों के पास मौजूद करेंसी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के CM ने खाए कोड़े, भूपेश बघेल ने कहा ग्रामीण संस्कृति के पर्व हमारी कृषि को बढ़ाते हैं, परंपराएं निभाते रहूंगा। अनिल कपूर का बेटा हुआ ट्रोल, हर्षवर्धन ने पटाखे न चलाने की सलाह दी, लोगों ने आतिशबाजी करते उनके पिता की फोटो शेयर कर दी। किंग कोहली के बर्थडे पर अनुष्का की इमोशनल पोस्ट, मैं चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूं कि तुम कितने अद्भुत इंसान हो। कश्मीर की उड़ान रोकने पर भारत का एतराज, पाकिस्तान से कहा श्रीनगर शारजाह फ्लाइट लोगों के हित में एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 33 मौत, गोपालगंज में 18 और बेतिया में 15 की जान गई, 2 थानेदार व चौकीदार सस्पेंड। जयपुर जोधपुर में खतरनाक स्तर पर आया प्रदूषण, आतिशबाजी के बाद दोनों शहरों में AQI 300 के पार, अस्थमा रोगियों के लिए खतरे का अलर्ट। MP के अलीराजपुर में खूनी संघर्ष, 4 की मौत, 1 किलो चांदी को लेकर हुआ विवाद। आज के खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए रबजी लाइव न्यूज।